उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने 2 दिवसीय शिक्षण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश से आए तमाम जनपदों से निषाद समाज के कार्यकर्ता और पदाधिकारी के बीच संजय निषाद ने यूपी में होने वाले नगर निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान संजय निषाद ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में निषाद समाज के लोगों को वोट के लिए जागरूक करना है और निषाद पार्टी को पूरे प्रदेश में और मजबूत करने का संकल्प उन्होंने लिया, ताकि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी और भी मजबूती के साथ सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचवाए। इस दौरान उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से आए सैकड़ों की संख्या में निषाद पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ मौजूद है। संजय जी, पीछे देख रहे हैं कि तमाम भीड़ है, तमाम जनपदों से लोग आए हैं, निकाय चुनाव है, आने वाला लोकसभा चुनाव है, किस तरीके से आज किस रणनीति के तहत मतलब ब्लॉक लेवल तक के हैं, नगर निगम लेवल तक के हैं, नगर पंचायत और जिला कमेटी है। हमें जो नई कमेटी बनी उनका एक शपथ ग्रहण समारोह है। उनको यह संकल्प दिलवाना है कि आप जिस काम के लिए आए हैं अपनी जिम्मेदारी समझें और जिम्मेदारी के साथ जिस मिशन के लिए आए हैं उस मिशन को काम करें, उसके लिए इनको बुलाया गया। इनको चूँकि नए लोग होते हैं तो थोड़ा उन्हें सही जानकारी देना पड़ता, पुराने लोग तो जान ही रहे, पुराने लोग भूल चुके होते उन्हें भी याद दिला दें। तो ऐसे में आपस में कार्यकर्ता जो बाहर से आते हैं वो दूसरी पार्टियों के में काम किए हुए लोग लगभग आ जाते हैं, तो उनके अंदर आदत उस पार्टी की होती है और उस पार्टी में रहने से उन्हें कोई फायदा हुआ नहीं। अगर वही आदत वही बात इसमें डालेंगे तो उन्हें उसका फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए निषाद पार्टी की जो डिजाइन है, निषाद पार्टी का जो सिस्टम बना हुआ उसे इन्हें बताना पड़ रहा और बता के इनको आगे बढ़ाया जाता है। निकाय चुनाव या लोकसभा किस चीज की तैयारी? निश्चित रूप से अभी तो निकाय चुनाव भी है, लोकसभा भी है, कार्यकर्ता तो ही है, इसी एक ही वोट से तो सारे चुनाव जीते जाते हैं। इसलिए हमने प्रोग्राम बनाया, रीच द वोटर, ट्रीट द वोटर, टीच द वोटर, कास्ट द वोटर। वोटर के पास जाना और सही बात पढ़ाना और उसको सही जगह वोट डालने के लिए प्रेरित। विदेश दौरे से आप वापस आए, किस तरीके का अनुभव रहा है, क्या लगता है इन्वेस्टमेंट को लेकर उत्तर प्रदेश? सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा है और सब कुछ देखने के बाद हिंदुस्तान सबसे अच्छा है। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, जिनका साफ तौर पर कहना था कि आने वाले निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में लगातार जो प्रदेश के तमाम जनपदों से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनसे समीक्षा बैठक कर रहे हैं और आने वाले समय में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतारना है और वोट के लिए जो निषाद समाज के लोग हैं उन्हें जागरूक करना है। लखनऊ से MK न्यूज़ के लिए अविनाश। एक तो बाहर से आया हूँ और मोदी जी से मिल के आया हूँ, तो कार्यकर्ताओं की इच्छाएं होती है कि क्या आपने भारत और देश में देखा, भारतीय संस्कृति की क्या स्थिति है दुनिया में। तो चूंकि ये त्रेता के भगवान राम और निषाद राज के गले लगे, वो जमाने का जो रावण राज खत्म कर दिया था उस संस्कृति को स्थापित करने के लिए राम राज को इस फिर से ये सेना बनाया, तो ये इनके मन में जिज्ञासा थी कि बाहर और यहाँ में क्या अंतर है और अपने नेता को जब एक लंबी यात्रा के बाद है तो देखना चाहते हैं।